हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुरसैज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल। गाइस तुम्हें पता है कि तुम्हें मेरे इस चैनल से एनटीटी के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है। जिन्ना बच्चे ने अपने को एनटीटी का गवर्नमेंट एग्जाम फिल किया हुआ है, उन्होंने बच्चे ने डेली मैंने कॉलिंग से मैसेज आती है कि मैम साड़ी एग्जाम का की बनिया, की साड़ा एग्जाम होगा। तो गाइस देखो, अगर तुम भी एनटीटी का गवर्नमेंट एग्जाम फिल किया हुआ तो वो बारे कोई अपडेट लेना चाहते हो तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखियो, क्योंकि कल बरनाला में एक वड्डी रैली कढ़ी जा रही है, जिस विच अपने को जिन्नी भी टीचर दी अपने को पोस्ट आई ने, चाहे वह एनटीटी है चाहे इस तो इलावा कोई होर अदर पोस्टस ने, उन्हां दी रिगार्डिंग सारे दी गल इस रैली विच कीती जाऊगी। सो जिहड़ा आपां न्यूज़ पढ़दे हाँ तो ये तुहानू क्लीयर सारे डाउट्स की थोड़े क्लीयर हो जाएंगे। अपनी न्यूज़ स्टार्ट करदे हाँ। वक् वक् बेरोजगार जथेबंदियों वालों 1 मई नूं सिक्ख्या मंत्री दी कोठी ते घराओ दा ऐलान। तो थोनों गाइस पता ही है कि जो अपने को सिक्ख्या मंत्री ने वो मीत हीयर ने बरनाला के कैंडिडेट ने, वो तो बरनाले विच अपने को की है कल रैली कढ़ी जा रही है। सो डट न्यूज़ से देख रहे हैं। बुलाडा गुरविंदर सिंह चहल, पिछले लंबे समय तो माड़ी सरकारों के विरुद्ध अध्यापक प्रदर्शन किया जा रहा है, सॉरी अध्यापक जथेबंदियों वालों लगातार रोज़गार को लेकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, परंतु सरकार वालों बेरोजगार को रोज़गार देने की बजाय उन्होंने कुटिया तो लुटिया गया। हुण पंजाब के बेरोजगार अध्यापकों अपनी मंगा लैके आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत उम्मीदा हैं, पर अजे तक सरकार वालों कोई भी ठोस कदम बेरोजगार के हक में नहीं पुटिया, जिस करके बेरोजगार नवी BPL यूनियन के प्रधान दलजीत बुलाडा ने मजदूर दिवस वाले दिन 1 मई दिन एतवार को सिक्ख्या मंत्री की कोठी को घेरन का ऐलान कर दिता। इस संबंधी गलबात करदिया BPL यूनियन के सीनियर मीत प्रधान लक्ष्मी धूरी ने दसिया कि 11 अप्रैल में सिक्ख्या मंत्री नाल मीटिंग कराने लई प्रशासन ते भरोसा दिता सी, पर ओ भी पहला वांग लारा ही निकलिया, जिस करके सिक्ख्या मंत्री दी कोठी का घराओ करनगे। उन्हां कहा कि शरीरक सिक्ख्या अध्यापकों दीआं असामियां खाली होने कारण पंजाब विच खेडां दा म्यार दिनों दिन गिरदा जा रहा है। पंजाब दे नौजवान चिट्टे वर्गे भयानक नशियां दा शिकार हो रहे हैं। सूबे के जनरल सकत्तर DC बुलाडा ने कहा कि वह पिछले लंबे समय तो DPE दियां 5 हज़ार पोस्टां कढ़वाउण लई संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगार NTT यूनियन के प्रधान गुरप्रीत सिंह ने कहा कि NTT दियां जल्दी तो जल्दी 13 हज़ार पोस्टां दा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। योगा बेरोजगार यूनियन के प्रधान नरेश कुमार ने भी अपनी पोस्टां नूं लैके सारे यूनियन वालों संघर्ष तेज कर दिता है। उन्होंने कहा जेकर सरकार की यह मंग पूरी नहीं की तो वह समूह बेरोजगार जथेबंदियां इकट्ठियां नूं इकट्ठे करके बरनाला विच सिक्ख्या मंत्री की कोठी अगे पक्का धरना लगाउणगे, जिस मौके खजानची सतविंदर सिंह सानेवाल, मेगा सिंह मानसा, गुरीब बुलाडा, प्रियंका फाजिका, परमीज मुलापुर, गुरविंदर बरनाला, कनवीर मोगा ते यूनियन दे होर मैंबर की मौजूद हैं। तो गाइज देखो, ये जी अपने को न्यूज़ लगी हुई है तो यदि फुल इनफॉर्मेशन थोड़ी मैं वीडियो डिस्क्राइब भी की आ जे कैंडिडेट्स ने NTT का गवर्नमेंट एग्जाम फिल किया तो वह चाहते ने भी थोड़ा NTT का जोड़ा एग्जाम डेट डिक्लेयर की जाए, या फिर नवे सिरों 13 हज़ार के पोस्ट NTT दे कढ़िया जान, तो तुम भी इस रैली का जरूर हिस्सा बनियो। तो इस ग्रुप का जिस ग्रुप पोस्ट पाई है NTT दे, उस ग्रुप का लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिनी हाँ। अगर तुम भी मतलब बरनाला रैली से हिस्सा लेना चाहते हो तो वह ग्रुप में ज्वाइन करो, तो जो भी थोड़े मतलब डाउट्स ने तुम क्लीयर कर सकते हो, ग्रुप के जो एडमिन ने तुम्हें रिप्लाई जरूर कर देंगे। सो डे इदा ही 8893 या फिर NTT के होर अपडेट्स लैन लिए चैनल में सबसक्राइब कर देना। वीडियो वधिया लगी तो वीडियो में शेयर जरूर करना, तो जिन्हें भी अपने को NTT के फ्रैशर्स जिन्हें कैंडिडेट्स ने उन्होंने तक ये मेरी वीडियो की पहुँच जाए। ओके गाइस, बाय बाय।